के कलाम को जोरदार ताली में वेलकम करेंगे और खुदा उसे हम सब अपने कदमों पर खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। हम सब खड़े होकर खुदा के कलाम को वेलकम करेंगे। हालेलुया, जोरदार ताली में मेरे लिए नहीं, खुदा के दुआ के लिए जोरदार ताली। हालेलुया, यीशु के अजीम बाबरकत कुदूस अब्दी जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से अपनी तरबियत, तंबी, इस्लाह और नसीहत के लिए देखें। मेरे साथ निकालिएगा पहला सैमुएल, सैमुएल की पहली किताब उसका 16वां बाब और 7वीं आयत। सैमुएल नबी की पहली किताब 16वां बाब उसकी 7वीं आयत। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, पर खुदावन ने सैमुएल से कहा कि तू उसके चेहरे और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावन इंसान की मानिक नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान जाहरी सूरत को देखता है पर खुदावन दिल पर नजर करता है। इसको दोबारा पढ़ूंगी, पर खुदावन दिल पर नजर करता है। आमीन। आज हम बाइबल मुकद्दस में से दो चीजों के मुतालिक सीखेंगे। पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मेरा जो आज का टॉपिक है वो है खुदा की निगाह, लेकिन इसमें मैं दो चीजों पे बात करना चाहती हूँ, एक खुदा की निगाह, दूसरा इंसान की निगाह। सबसे पहले अगर हम इंसान की निगाह पर बात करते हैं, तो जब यहाँ पे सैमुएल को भेजा जाता है कि जा दाऊद को मसा कर, इसका सियाको सबाक ये होता है कि जब साउल को मसा किया गया बादशाह के लिए, तो उसने खुदा की नाफरमानी की। नाफरमानी क्या करता है? खुदा ने उसे कहा था कि अमालिकियों को सबको हलाक करना, 15वें बाब में लिखा है कि भेड़, बकरियां, बच्चे, हर चीज को हलाक करना है, लेकिन साउल जो है वो खुदा की नाफरमानी करता है। वो अच्छे अच्छे भरे, मोटे मोटे भरे जो है भेड़ बकरियां जो है, और उसके बादशाह एजाज को बचाता है, हलाक नहीं करता, और खुदा को यही उसकी बात जो है वो नापसंदीदा है। खुदा जो है साउल को रद्द करता है और सैमुएल से कहता है जा यस्सी के घराने में से दाऊद को मसा करना है। और सैमुएल जो है यस्सी के घराने में जाता है, तो उसका जो बेटा इलियाब जब उसके सामने आता है, तो वो देखता है, इंसान की निगाह की बात कर रहे हैं, जब कोई इलियाब को सैमुएल देखता है तो कहता है यकीनन खुदा का मंसूर यही है। क्यों उसने ऐसा कहा? इसलिए कि वो उसके चेहरे को, उसके कदोकाद को देख रहा है, लेकिन खुदा जो है वो इस चीज को नहीं देखता। और सैमुएल को कहता है तू उसकी जाहरी चीजों को देख रहा है, खुदा इंसान की जहरी चीजों को नहीं देखता। सैमुएल इंसान होने के नाते उसके इलियाब की जहरी चीजों को देख रहा है, और खुदा जो है कहता है कि ये वो नहीं जिसे मैंने तुझे मसा करने के लिए भेजा है। क्योंकि एक बादशाह बनने के लिए तब का ये था कि बादशाह को जो है रोब दबदबा होना चाहिए, कदोकाद होना चाहिए, जंगजू होना चाहिए, और दाऊद के सारे जो भाई थे वो जंगजू थे, तो उसके लिहाज से जो है वो दाऊद जो था भेड़ बकरियां चुराने वाला था। लेकिन दूसरे जब इलियाब को देखता है तो वो कहता है यकीनन खुदा का मंसूर यही है। ये इंसान की निगाह है। जब मैं इसके दाऊद के मुतालिक सीख रही थी और मुतालिया कर रही थी बाइबल मुकद्दस में, तो मुझे ये यीशु मसीह का मिसल लगता है। पुराने अहदनामे में हम यीशु मसीह को देखते हैं यहूदी नुक्ता निगाह से। यहूदियों ने भी यीशु मसीह को जाहिरी सूरत देकर कबूल नहीं किया। कैसे? वो भी यही समझते थे कि जो बादशाह होगा उसका रोब दबदबा होगा, और वो रोमी हुकूमत से सल्तनत लेके हमें देगा। लेकिन यीशु के ऑपोजिट आता है, हलीम बादशाह है, इसी तरह दाऊद भी चरवाहा। तो वो कहता है कि इलियाब यकीनन खुदा का ही मंसूर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इंसान की निगाह है, खुदा की निगाह नहीं। इंसान हमेशा जो है जाहिरी चीजों को तरजीह देता है। उसके ऑपोजिट अगर हम खुदा की निगाह की बात करें, तो खुदा की निगाह की बात में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है। नए अहदनामे में जब वो एनफील्ड के वक्त औरत पकड़ी गई थी ना, मैं कहती हूँ खुदा की निगाह है। खुदा की निगाह क्या है? करम की निगाह। खुदा हमेशा करम करता है, और जब सारे पत्थर उसमें
کہ خداوند جیسے اسے لکھ نہیں رہے تھے بلکہ وہ اس عورت کے دل کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا دل کتنا پاک ہے. یہ انسان ہونے کے ناطے سارے انسان اس کی ظاہری حالت کو دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں اسے حقیر جان رہے ہیں, لیکن خداوند یسوع مسیح وہی دوسری طرف اس کے دل پر نگاہ کر رہا ہے اور خدا کہتا ہے جا اور دوبارہ گناہ نہ کرنا, اور کہتا ہے اس پہ وہی پتھر اٹھائے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو. تو میرے عزیزوں, وہاں سے ہم سب واقف ہیں, آہستہ آہستہ سارے چلے جاتے ہیں. خدا ہمیشہ معاف کرتا ہے کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. خدا کرم کا خدا ہے. خدا کے بارے میں میں کہتی ہوں کہ بیان کرنا لفظوں میں نہایت مشکل ہے میرے لیے. کیسے؟ جب بھی میں سوچتی ہوں خدا ایک امیزنگ خدا ہے, خدا کی کوئی نہ کوئی صفات ہمارے زندگی میں نظر آتی ہے کام کرتی ہوئی. خدا جو ہے کرم کرتا ہے, کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے. خدا جو ہے ہمیشہ فضل کرتا ہے, اور میں دیکھتی ہوں کہ وہ ایسا خدا ہے جو راہو اور فاشا جیسی عورت کو بھی نجات کے منصوبے میں شامل کرتا ہے. وہ ایسا خدا ہے, ہم یسوع مسیح کے نثر نامہ میں راہو فاشا کا ذکر دیکھتے ہیں. وہ ایسا امیزنگ اور خدا قادر ہے, ایسا نگاہ کرتا ہے. وہ انسان کی ظاہری صورت پر کبھی بھی نگاہ نہیں کرتا. اس نے بھی داؤد کے چرواہے ہونے پہ نگاہ نہیں کی, بلکہ داؤد کے دل پر نگاہ کی. اس کا دل خدا کو پسندیدہ تھا, وہ خدا کے دل کے مطابق تھا. اس لیے داؤد خدا کے حضور میں منظور نظر ہوا اور مقبول ٹھہرا, کیونکہ خود داؤد کا دل جو ہے خدا کے ساتھ تھا. داؤد کا دل خدا کے ساتھ تھا. تو میں اس میں دیکھ رہی تھی کہ یرمیا 17 باب کو جلدی سے نکال دے اور نامی آئے تو اس کی پڑھ دے. یرمیا کی کتاب 17 باب نامی آئے. دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے, اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ تھوڑا سا آگے پڑھ دوں. میں خداون دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں. بالکل, آمین. یہاں پہ نبی تھوڑا سا غمگین نہیں لگتا, ہارا ہوا نبی لگتا ہے کہ دل ہلے باز ہے, کون اسے دریافت کر سکتا ہے. لیکن وہاں دوسری طرح خدا اسے تسلی دیتا ہے, میں خدا جو دلوں اور گردوں کو جانچنے والا ہوں میں جانتا ہوں. انسان ہونے کے ناطے ہم نہیں جانتے. کیا آپ جانتی ہیں کہ بہن کے دل میں کیا ہے؟ نہیں. انسان ہونے کے ناطے ہم دوسرے کے دل کے احوال کو نہیں جانتے, لیکن خدا ہمارے دل کے احوال کو جانتا ہے, کیونکہ وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے. انسان ہوتے ہوئے ہماری سوچے خیالات جو ہیں وہ محدود ہیں, لیکن خدا لا محدود خدا ہے. پریز دی لارڈ. اس کی لا محدودگی کے لیے اس کے لیے تھالیاں. ہاللویا. وہ جانتا تھا جو لا محدود خدا ہے, وہ جانتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے, وہ جانتا تھا کہ یہی نیا بادشاہ بننے کے لائق ہے. اور میرے عزیزوں, اس میں جو کلام مقدس کا مطالعہ کرتے وقت میں نے چیزیں نکالی کہ اس کے دل میں کیا تھا جو خدا کو اتنا مقبول ٹھہرا. خدا نے نہیں دیکھا کہ چرواہا ہے, سب سے چھوٹا ہے, لیکن سرفراز کیا جا رہا ہے. پہلی بات جو میں نے دیکھی اس کی زندگی میں وہ یہ تھی کہ اس کا جو بھروسہ اور توکل تھا نا, وہ خدا پہ تھا. میرے ساتھ نکالیے پہلا سیمیل 17:47. آئے جو لفظ ہے نا رب الافواج کے نام سے, اسرائیل کے لشکروں کے خدا کے نام سے آتا ہوں, اس کو انڈرلائن کریں اپنی زندگی میں. یہاں پہ داؤد کی زندگی میں ایمان کی سپر نظر آتی ہے. وہ پرچی بالا لیے ہوئے اس کے پاس نہیں جاتا. ایک چھوٹا لڑکا ہے اور جاتا ہے اور جنگ لڑتا ہے. کس سے؟ ایمان کی سپر سے. توکل خدا پر ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کوئی
कोई वबा उसके खैमा के नजदीक नहीं आ सकती, क्योंकि खुदावंद उसके साथ है, उसका तवक्कुल, उसका भरोसा अपने जिंदा खुदा पर है, लश्करों के खुदा पर है, रबुल अफवाज पर है, क्योंकि वो जानता है कि वो मुझे फतह बख्शता है। ये है उसके ईमान की सिफत जो उसकी जिंदगी में हमें नजर आती है। और ईमान मेरे अजीजों दुश्मन शैतान शरीर के मंसूबों को फेल करता है। अगर आपका तवक्कुल खुदावंद पर है और दाऊद की तरह खुदा आपके साथ है, और आप हमेशा अपने दुश्मन पर गालिब पाएंगे। अगर आपने ईमान किसी पर अपनी जिंदगी में लगाई हुई है, अपना तवक्कुल, अपना भरोसा जो है वो खुदा पर लगाया है, तो आप उस फलस्तीन जो कि बहुत ही जंगजू था और कद-ओ-काद में बड़ा था, उसको दाऊद की तरह हराने वाले बनेंगे। अगर आपकी जिंदगी में आपका भरोसा आपके सच्चे खुदा पर है। कलाम में मुकद्दस में लिखा है, ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो और दुश्मन के मंसूबों को और इसके तीरों को जो वो आप पे चलाता है वो फेल करो। कैसे? ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। और यही हमें दाऊद की जिंदगी में नजर आता है कि वो ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तक रहा है। वो अपने आप पे इनासार नहीं कर रहा, बल्कि खुदा की कुदरत पे इनासार कर रहा है, खुदा पर इनासार कर रहा है। वो उसको पता है कि मैं कैसा हूं, लेकिन तवक्कुल सिर्फ खुदा पर है और खुदा उसे फतह से बढ़कर गलबा हासिल करवाता है जो खुदा पर है। दूसरा पॉइंट इसकी जिंदगी में ये था कि ये निडर था। मेरे साथ निकालिए पहला सैमुएल 17वां बाब 34-37 आए। तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया कि तेरा कदम अपने बाप की बेबदियां चराता था और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बला उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था, और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता। बिल्कुल यहाँ पे कहता है साउल उसे भेजने को कहता है, लेकिन वो कहता है कि तू तो अभी बच्चा है, बचपन के आम में लड़का है। लेकिन वो कहता है कि जब कोई रीछ या शेर, पेशे के लिहाज से ये चरवाहा है, कहता है जब कोई रीछ शेर मेरी भेड़ बकरियों को आकर झपटते थे तो मैं उनके मुंह से अपनी भेड़ बकरियों को लाता और इन्हें हलाक करता था। रीछ और शेरों का मुकाबला करने वाला है बताता है, और यही मुकाबला करने वाला शख्स उस फलस्ती के आगे खड़ा है जाके कि मैं उसे भी हलाक करूंगा खुदावंद के नाम से। ये डरता नहीं, निडर है। किसके लिए? अपने किसी काम के लिए नहीं, खुदा के लिए। आज हम दूसरे कामों में तो बड़े निडर होते हैं, लेकिन खुदा के लिए डरे हुए थे। आज हमें भी दाऊद की जिंदगी से सीखने की जरूरत है कि जैसे वो खुदा के काम के लिए निडर है, हमें भी खुदा के काम के लिए निडर होना चाहिए। जिस्मानी चीजों के साथ साथ हम रखते हैं उनके लिए हम निडर होते हैं, लेकिन खुदा के लिए हम जो है वो डरे होते हैं। लेकिन आज जरूरत है हमें दाऊद की तरह खुदा के लिए दलेर होने की। आमीन। प्रेज। ये खुदा का बंदा है, इसीलिए खुदा को मकबूल है, इसीलिए खुदा ने इसे पसंद किया है। क्यों? क्योंकि खुदा के लिए दलेर है, निडर है, कोई डर नहीं इसकी जिंदगी में। इसलिए कि वो जानता है जिसकी जंग है वो खुद लड़ेगा, मुझे सिर्फ अपना आप पेश करना है और खुदा जो है मेरी कमजोरियां या किसी भी चीज पर गालिब आएगा और मुझे फतह से देगा। हालेलुया। फिर तीसरी चीज जो इसकी जिंदगी में थी वो थी खुदा की गैरत रखने वाला शख्स है। 17वां बाब 26 आयत। और दाऊद ने उन लोगों से जो उसके पास खड़े थे पूछा कि जो शख्स इस फलिस्ती को मारकर ये नंग इसराइल से दूर करे उससे क्या सलूक किया जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ये नामख्तून फलिस्ती होता कौन है कि वो जिंदा खुदा की फौजों की फसीहत करे?
यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा है ना, ये होता कौन है? तो मैं कहती हूँ डॉग बड़ी गैरत से भरा हुआ होगा, कि जो कहता है क्योंकि सब भागे थे, जितने भी इसराइली है वो इस फलस्ती से जाति जूलियत से डर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही इनसे ताकत में ज्यादा था, कोई भी उसका सामना नहीं कर रहा। इसके दाऊद के भाई जो के जंगजू थे ये भी वहां से चले गए, लेकिन दाऊद जब सारा वो अपने भाइयों को रोटी देने के लिए आता है तो सारा माजरा देख रहा होता है तो वो पूछता है, और फिर वो खुदा की गैरत से भरा हुआ कहता है कि होता कौन है जो जिंदा खुदा की फौजों की फजीलत करे। ये है खुदा के लिए गैरत रखना। होता कौन है जो हमारे जिंदा खुदा की फौजों की फजीलत करे? वही दूसरी तरफ हम खुदा यीशु मसीह को देखते हैं, खुदा के घर की गैरत रखते हैं। दाऊद जो है पुराने अहदनामे में, मैंने पहले भी बताया, यीशु मसीह की मिसल है। हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह भी हमें खुदा के घर की गैरत खाते हुए नजर आते हैं। इसी तरह दाऊद भी खुदा की गैरत खा रहा है। आज हमें अपनी जिंदगियों में चेक करना चाहिए कि हम खुदा के घर की और खुदा की गैरत खाते हैं। क्या हमारी जिंदगी में खुदा की गैरत हमें नजर आती है? क्या हम कहें ये होता कौन है? क्या हम खुदा के लिए लड़ने वाले हैं? क्या हम खुदा की गैरत खाने वाले हैं? हमें अपनी जिंदगियों में भी दाऊद की तरह, इसलिए तो खुदा को मकबूल ठहरा, खुदा का मकबूल ठहरा, खुदा को पसंदीदा था, क्योंकि इसके दिल में ये बात थी, ये बात खुदा को पसंदीदा थी कि खुदा की गैरत रखने वाला शख्स है। फिर देखते हैं चौथा पॉइंट इसकी जिंदगी में, ये था प्रस्तिश और दुआ करने वाला शख्स था जिससे लोगों को बरकत मिलती और लोग बहाल होते थे। पहला सैमुएल 16:23 में है, सो जब वो बुरी रूह खुदा की तरफ से दाऊद पर चढ़ती थी तो दाऊद बरकत लेकर हाथ से बजाता था और साउल को राहत होती और वो बहाल हो जाता था और वो बुरी रूह उस पर से उतर जाती थी। जब साउल ने नाफरमानी की तो बुरी रूह खुदा की तरफ से लिखा है दाऊद के बरबद बजाने से, गाने से वो बुरी रूह से जाती थी। ये वो बात है कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। जब रूह और सच्चाई से प्रस्तिश होती है, बंद रहम खुलते हैं, लोग मुश्किल परेशानियों से आजादी और रिहाई पाते हैं, और बंद भेड़ियां जो है वो यीशु के नाम से खुलती है, लोगों की मुश्किलें आसान होती हैं, लोग जितनी भी मुसीबत में हो वो आजाद होते हैं, पूरी रूहें जो है वो प्रस्तिश के वसीला से जाती हैं। ये रूह और सच्चाई से प्रस्तिश है जो हमें दाऊद की जिंदगी में नजर आती है, क्योंकि खुदा रूह और सच्चाई से की गई प्रस्तिश को पसंद करता है। दुआ वो शख्स है राहत का, दूसरों के लिए राहत का बाइस बन रहा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि साउल इसकी जब गाता और बजाता था राहत पाता था, बहाल होता था, बंद बेड़ियां बुरी रूहें प्रस्तिश के वसीला से जाती है और लोग राहत पाते हैं, इत्मीनान पाते हैं, तसल्ली पाते हैं। लेकिन प्रस्तिश दाऊद की तरह रूह और सच्चाई से हो, दुआ वो शख्स है दूसरों के लिए बरकत का बाइस है। खुदा भी दुआ को परस्तारों को पसंद करता है जो दूसरों के लिए बाइस बरकत हो, दूसरों के लिए बहाली का वसीला बन सके, जैसे कि दाऊद है। खुदा मेरे अजीजों आज भी ऐसे ही परस्तार ढूंढता है और वो चाहता है कि रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति की जाए। यहाँ पे मैं एक बात देख रही थी कि खुदा हमारी सलाहियत को, एबिलिटीज को या खूबियों को इस्तेमाल करता है। ये मेरा आपसे सवाल है जी, जी बिल्कुल करता है। कैसे कैसे? थोड़ा सा बात भी तो बोले, सुन सुन के सुन तो नहीं हो गए जी। जब हम कहीं किसी प्रोफेशनली होते हैं या घर में होते हैं तो जो खुदा ने हमें खूबी बख्शी होती है उसे हम इस्तेमाल में लाते हैं, लोग उसे बरकत पाते हैं तो खुदा हमें इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। अब
भाभी के लिए तालियां बजाएं। शायद वो सुन भी नहीं बाकी सारे फंक्शन के जी। खुदा हमारी एबिलिटीज को, खूबियों को इस्तेमाल करता है, लेकिन कब? जब हम उसे अपनी खूबियां या सलाहियात उसके हजूर पेश करते हैं। यहाँ पे दाऊद अच्छा चरवाहा है। जब उसे, मुझे इसकी एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि साउल जब इसे भेजने के लिए अपना शाही चोगा देता है और ये उसे पहनता है, तो लिखा है कि दो कदम भी नहीं चल पाता और ये वो चोगा उतार के अपने उसी चरवाहे के कपड़े में थैला लिया और जा रहा है, पांच चिकने चिकने पत्थर लिए। ये है उसकी एबिलिटी जो खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जब फलस्ती, उस फलस्ती के पास जाता है, जाती जूलियत के पास, पांच पत्थर लिए, लेकिन एक पत्थर से ही उस पर गलबा हासिल करता है। क्यों? क्योंकि ये जंग यहोवा की है और यहोवा उसे इस जंग में फतह दिलाता है और वो जीत के आता है। तो मैं एक चीज यहाँ पे देख रही थी, जब ये रीछों और शेरों का मुकाबला करता होगा तब क्या करता होगा? यहाँ पे एक फलस्ती के लिए चिकने चिकने पत्थर, तो चरवाहा था पेशे के लिहाज से, तो जाहिर सी बात है मुझे लग रहा है तब भी ये वही पत्थर जो है ना इस्तेमाल करता होगा, इसीलिए इसको प्रैक्टिस होगी। मेरे जहन की या मेरी ये सोच है, एक पत्थर से ही जब मारता है, वो पत्थर भी ईमान था, गैरत था और खुदा पर धोखा करने वाला था और रूह और सच्चाई से मारा गया था, इसलिए वो एक पत्थर से इतने बड़े फलस्ती को हला करके खुदा की जंग लड़के फतायाब होकर आता है। ये है खुदा को पसंदीदा। खुदा हमारी अबिलिटीज को पसंद करता है, लेकिन तब जब हम अपनी खूबियों को, सलाहियात को खुदा के लिए देते हैं और वो फिर उन्हें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है। मैं एक चीज बताना चाहती हूँ आपको, कभी भी इंसान होने के नाते दूसरा इंसान किसी को उसकी कमियों के साथ नहीं अपनाता। क्या ये बात मैं दुरुस्त कह रही हूँ? आप मुझसे इस बात पे एक्टिव करते हो? नहीं करता। मेरे लिहाज से मैं अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कोई भी आपको आपकी कमियों के साथ नहीं अपनाता, लेकिन ये इंसानी निगाह, वो आपको अपनी कमियों के साथ, इंसान आपको आपकी कमियों के साथ ही अपनाता, लेकिन खुदा की निगाह क्या है? वो आपको आपकी कमियों के साथ अपनाता है, लेकिन कमियां रहने नहीं देता, उन्हें खूबियों में बदल देता है। ये है खुदा, ये है खुदा की निगाह जो हमारी कमियों को हमारी खूबियों में बदलता है। उसने दुनिया के निकम्मे बेवकूफों, बेवकूफों को हकीरों को चुन लिया, लेकिन निकम्मे बेवजूद हकीर रहने नहीं दिया, बल्कि कमजोरों को मजबूत बनाया, निकम्मों को काम वाला बनाया, बेवकूफों को कलबंद बनाया, लेकिन रूहानी तौर पर। ये है खुदा की निगाह। बेशक सैमुएल जो है इंसानी नुकता निगाह से जो है उसके इलियाब के कद को देख रहा है, जब इंसान जो है इंसान होने के नाते इंसान के कद को देखता है ना, तो दूसरी तरफ खुदा भी हमारे कद को देखता है। कैसे? वो हमारा कौन सा कद देखता है? वो जिस मानी उसके कद के अंदाजा तक पहुंचे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बहन ने बिल्कुल सही कहा, इनके लिए तालियां बजा दे। जी बिल्कुल, खुदा ने दाऊद छोटा है लेकिन उसके रूहानी कद को देखा है, जिसमें वो अपने भाइयों से भी बड़ा है। दाऊद ने बहुत सारी चीजों पे फतह पाई, रीछ शेरों से फतह पाई है, हालात और वाकियात से फतह पाई है, चुनाव में भी उसने ही फतह पाई है, अपने भाइयों में से भी उसने ही फतह पाई है, और खुदा की जंग जो वह लड़ने गया था उस पर भी उसने छोटे ने ही फतह पाई है। क्यों? क्योंकि उसका रूहानी कद जो था वो खुदा के मेयार के मुताबिक था, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हमें मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंचना है, और दाऊद का जो कद था ना रूहानी, ये मसीह के कद के अंदाजा के मुताबिक था, इसीलिए वो खुदा का जो है वो मंजूर नजर है और खुदा जो है उसे फतह देता है। हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में इंसान जो है हमेशा जाहिरी सूरत पर तरजीह देता है,
देखता है कि कैसा है, लेकिन खुदा मेरे अजीजों आपके दिल में जो उसके लिए मोहब्बत, सच्चाई, वफादारी है, दाऊद की तरह खुदा जो है हमेशा उस चीज को देखता है। बेशक तब उस जाति जूलियत के मेयार पे वहां पे कोई शख्स नहीं था, उसके कद के मुताबिक भी जिस्मानी तौर पे कोई नहीं था, लेकिन वहां दूसरी तरफ दाऊद है जो उसके रूहानी कद से भी बड़ा है। खुदा जो है उसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन तब जब हम अपना आप खुदा को देते हैं, हम कहते हैं कि खुदावन तू हमें इस्तेमाल कर। यहाँ पर भी दाऊद ने अपना आप खुदा को दिया है और आप देख सकते हैं कि खुदा ने उसे कैसे सरफराज किया और कसरत से इस्तेमाल किया है। ये है दाऊद और उसकी जिंदगी में खुदा और खुदा की निगाह। जब वो दाऊद जाता है जाति जूलियत के पास, तो वो उसे देख के कहते हैं, क्या मैं कुत्ता हूं तू लाठी लिए मुझे मारने आया है। वो उस पे ऐसी चीजें करता है, लेकिन दाऊद जो है जिंदा खुदा के नाम से एक पत्थर से उस फलस्ती को हरा करता है जो कि खुदावत पर ठोकर रखता है। उसका भरोसा इनसार खुदावत पर था और उसने इस जंग में फतह पाई है। आज मेरे अजीजों हमें जरूरत है कि अपनी जिंदगी के हर मराहिल में हम तब फतह याब होंगे दाऊद की तरह जब हम अपना आप अपनी हर चीज खुदा को देंगे। और इस आयत के मुताबिक फिर हम खुदा की दिल पसंदीदा होंगे। ऐसे नहीं, जब हमारे दिल खुदा को पसंद होगा, हमारे अंदर ईमान की सिपर होगी, हमारे अंदर खुदा की गैरत होगी, हम नडर होंगे खुदावन के लिए और रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करने वाले होंगे अपनी ओबिलिटीज को, अपनी सलाहियत को खुदा के हजूर सबकी कुर्बानी के तौर पर पेश करेंगे। तब खुदा जो है हमें दाऊद की तरह कसरत इस्तेमाल करेगा और हर तौर पर सरफराज करेगा और फतह बख्शेगा। आए अपने सरों को झुकाएं।